भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। शासकीय आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने के लिए पीड़ित अनुसूचित जाति परिवार ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, रास्ता खुलवाने की मांग। 48 घंटे में अतिक्रमण हटाने की मांग, वरना करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आज नगर के अनुसूचित जाति के लोगों ने बाबूलाल टैगोर के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और उसमें कहा कि कस्बा लाहार में स्थित आराजी नंबर 2711/2715 शासकीय आराजी होकर आम रास्ता दर्ज है। भिंड भांडे रोड से उक्त आराजी में से वार्ड क्रमांक 12 हरिजन बस्ती मजतोरा मोहल्ला कस्बा लाहार के लोगों का हमेशा से आने जाने का रास्ता रहा है। यह कि उक्त शासकीय सर्वे नंबर 2711/2715 रास्ते का कुछ समय से अतिक्रमण हो जाने से रास्ते के रूप में उपयोग होना बंद हो गया है। जनबल धनबंद वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त रास्ता जबरन निर्माण कार्य के अवरुद्ध कर दिया गया है। इस कारण वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को तथा अन्य आम जन को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। उक्त आम रास्ता भिंड भांडेर रोड से वार्ड क्रमांक 12 हरिजन बस्ती मजतीरा मोहल्ला तक आने जाने के लिए जनता के उपयोग में आता था, जिसके अवरुद्ध हो जाने से आम जनता तथा हरिजन समाज के लोगों को आ रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आम रास्ते को अविलंब खुलवाया जाना तथा रास्ते में किया गया अतिक्रमण तुरंत हटवाया जाना न्यायोचित है। रिपोर्ट टीम News। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।